बात तो घर में पहले लक्ष्मी का पूजन जहाँ आपके घर में होता है करिए, वहां पूजन करिए। कोशिश करिए कि पूजन के समय आपका जो मुख है वह पूर्वाय मुख हो या उत्तराय मुख हो। एक बात और, बड़ा कंफ्यूजन लोग किए करते हैं, भगवान का मुख उनका पश्चिम हो गया तो दक्षिण हो गया। अरे भैया, भगवान तो चारों तरफ फैले हुए मेरे भाई, ये जो साधक है अर्चक है उसका मुख का महत्व है। आप पूर्वाय मुख करके पूजन करते हैं या उत्तराय मुख है। दक्षिण निषिद्ध है क्योंकि पितरों का वास होता है, पश्चिम निषिद्ध है। तो दो दिशाओं में ही कभी भी पूजन करें, दिशा का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। उससे क्या है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके जो कार्य है वो सिद्ध होता है। जो भी आप पूजन पाठ आराधना करते हो सिद्ध होता है। तो सबसे पहले पूर्वाभिमुख, दक्षिण उत्तराभिमुख करें। भगवान का जब आप पूजन करेंगे तो आपका पूर्वाभिमुख होगा तो भगवान निश्चित ही आप सामने बैठेंगे, पश्चिम तरफ मुंह होगा। आप उत्तर करेंगे भगवान मुंह दक्षिण तरफ होगा। तो भगवान प्रभु का मैया का मुंह कहाँ, इसमें आप पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख। दूसरी बात में आपके यहाँ पर जो लक्ष्मी का पूजन धनतेरस शुरू होता है, धनतेरस होता है, तो आपने अभी ये प्रश्न किया है दीवाओं को, दीपक को कहाँ रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, दीपक कहाँ रखें। भाई दीपक का मतलब क्या होता है, दीपक का मतलब कि आप अंधकार से और प्रकाश की ओर जाए। जीवन में भी आप अंधकार प्रकाश की ओर जाना चाहिए। आप जो भी कार्य करें वो अंधकार प्रकाश हो, और दीपक ज्योति नमोस्तुते ऐसा कहा गया है। हम दीपक को प्रणाम करते हैं क्योंकि हमारा जीवन दीपक जैसा बढ़ता रहे, आगे बढ़े। तो दीपक को इन स्थान पर पूजन करते हमारा किए। दूसरी बात में जहाँ पर आप धन पैसा वगैरह रखते हैं वहां पर रखिए। दूसरी बात में जो भंडार गृह होता है या अन्य है, अन्नपूर्णा भंडार गृह रखिए। और आपके जो भोजन का रसोई गृह है, क्योंकि वहां पर आप रसोई को बनाते हैं, भोजन करते हैं, उसी हिसाब की भोजन मिलती है आपको, वहां पर रखना चाहिए। तुलसी जगह है, तुलसी जरूर रखिए। तुलसी कहाँ, यदि आप गौ बनती है तो गौ के स्थान अवश्य रखिए। उसके बाद में आपके अलग अलग जगह जहाँ पे आपको शुद्ध जगह जरूर रखना चाहिए। उससे कि आपके गृह में, आपके घर में पॉजिटिव या धनात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा।